बोलो बेटा कौन लाया तुम लोगों को यहाँ पर? माँ, तुम लोगों की माँ यहाँ पर है क्या? कहाँ है? मेरे इन्फॉर्मर ने अभी अभी खबर दी है कि बच्चे सकुशल हैं। शुक्र है भगवान का। और बच्चे उसी घर में मिले जहाँ पर पहले थे। आंटी आप अच्छी हो ना? आपने अपने आप को चोट कैसे पहुंचा ली? चलिए अब जल्दी से ठीक हो जाइए। किससे बातें कर रहा? मुझे इतने खूबसूरत लाइफ पार्टनर का इतना खूबसूरत प्यार मिल रहा है। मेरी जिंदगी में आने के लिए अ वेरी बिग थैंक यू मानवी। तुम रेसलर हो क्या? क्या कहता तुम्हें? तुम मेरे इतने करीब क्या कर रहे थे राहुल? तुम्हारे करीब? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे करीब नहीं आ सकता क्या? प्रॉब्लम है क्या? ओह तो अब समझी मैं, तुम चुपके चुपके मेरी खूबसूरती देख रहे थे है ना? वैसे ऐसा मुझ में क्या है राहुल जो तुम मुझसे दूर नहीं रह पाते? एक तो सुबह सुबह गिरा के मेरी नाक तोड़ने वाली थी और अब चाहती हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं? खूबसूरत तो तुम हो लेकिन मैं कुछ देख रहा था। क्या? नाक। क्या देख रहा था? कि तुम्हारी नाक पे किसी ने कुछ काटा तो नहीं है? नाक पे कीड़े। कीड़ा काट क्या? क्या हुआ मेरी नाक? अरे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ, मुझे फर्क नजर आता है। चेक करो समोसे जितनी नाक हो गई है तुम्हारी। अच्छा मेरी नाक बड़ी है। चलो तुम्हारी नाक है तुम देखो, मुझे क्या? तो तुम्हारी क्या है? तुम मेरी नाक समोसे जितनी बड़ी हुई है? लो पकड़ लिया, अब कहां भागोगे? तुम क्या पकड़ोगी मुझे? बुलाओ पापा को, बुलाओ मम को। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूं?
भैया। यार मुझे पता क्या लगता है, तुम्हारे बाबा ना पक्का कोई जादू टूना करते। हाँ, ठीक। 100% अब तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हाँ छोटू। भाभी जी, भैया और आपको मैम बुला रही हैं। अच्छा ठीक है, आते हैं। हाँ बहुत बातें कर ली तुमने, अब जाओ जाके तैयार हो जाओ। आ! राहुल छोड़ो। क्यों? मम्मी जी ने बुलाया। मम्मा मुझे 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट? बहुत है 10 मिनट। नहीं राहुल छोड़ो, मुझे जाना है, मुझे तैयार होना है। क्या बात कर रहे थे? हाँ मैं तुम्हारे बाल साइड पे कर रहा था और तुम डर गई थी कुछ। छोड़ो राहुल, मुझे जाना है। अरे तुम लोग आ गए, कोई काम तो नहीं था ना? रहने दो मम्मा, जो काम मैं कर रहा तो मेरी किस्मत में नहीं लगा। पढ़ो, बोलो। अच्छा राहुल, खन्ना अंकल है ना चंडीगढ़ वाले, वो दिल्ली आए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ। तो? हाँ, इसलिए तो उन्होंने आज पार्टी रखी है, डिनर पार्टी, आज ही रात को। आज रात को? हाँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है? मम, आज रात को नहीं हो सकता। क्यों? मेरी और मानवी की आज मेजर वाली रिहर्सल, सब लोग आ रहे हैं, मतलब कि साउंड इंजीनियर से लेके ऑर्केस्ट्रा वाले, लिरिसिस्ट, रिकॉर्डिस्ट, एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी देयर। और ये एक मेजर रिहर्सल है, हमारा गाना अगले हफ्ते हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं। सो मी एंड हर हैव टू बी देयर, और लेट इवनिंग शुरू होगी तो 1:30-2 हमें वहाँ बजने वाले हैं रात के। सो ऑब्वियसली हम आपके डिनर पर नहीं आ पाएंगे। अरे खन्ना अंकल हमारे इतने पुराने फैमिली फ्रेंड हैं, इतने सालों बाद इस शहर में आए हैं अपनी फैमिली के साथ, मना मत करो प्लीज, क्योंकि राज भी तो नहीं है ना शहर में। अगर राज होता तो मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग का बहाना देकर चले जाते मैं और राज, मैं अकेले भी तो नहीं जा सकती ना। मॉम मेरा नुकसान हो जाएगा, एंड इट्स नॉट जस्ट पैसों का नुकसान की बात नहीं है, इतने लोगों को मैंने बुलाया और उनकी रिस्पेक्ट भी तो है ना। हाँ तो ठीक है ना, कम ऑन राहुल, बाद में देख लेना ना, वैसे भी लेट ही जाना है, डिनर पार्टी है, जल्दी नहीं जाएंगे, लेट जाएंगे, डोंट वरी, अपना काम खत्म करके जल्दी आ जाना, आई मीन आ जाना। सच बताऊं तो कितने दिनों से हम बाहर नहीं गए, एक फैमिली आउटिंग नहीं हुई, इस बहाने हम बाहर भी चले जाएंगे। मेरा बहुत मन है, प्लीज मना मत करना। ठीक है मॉम। मानवी तुम थोड़ा जल्दी आ जाना, मैंने स्टाइलिस्ट को घर पर बुलाया है, अच्छे से तैयार होके जाएंगे। ओ हेलो, जल्दी आना, मतलब मेरी मेरी रिहर्सल 1:30 बजे तक जाने वाली थी, वो मैंने अभी कैंसिल करके मतलब 10:30 तक करवाई है, उसमें भी मतलब आप उसको बोल रहे हो कि पहले आ जाए, मतलब 10:30 की जगह वो आपके पास 9:30 आ जाए, तो मैं क्या अकेला गाना गा रहा हूँ? रिहर्सल हम दोनों की है ना, सब लोगों के साथ, तो ये जल्दी कैसे आ सकती है? I don't understand. मुझे नहीं लगता तुम दोनों का मन है आने का, मैं काम करती हूँ, डिनर कैंसिल कर देती हूँ। मम्मी जी आप जैसा बोलेंगे बिल्कुल वैसा ही करेंगे, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप अपसेट मत होइए। ठीक है। अरे 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 हेलो, देखा देखा हंस रही है, काम धंधा तुम दोनों को कुछ नहीं करना है लाइफ में। जल्दी आना। हाँ शिरीन मैम, इन्हें क्या हुआ? डॉक्टर शिरीन, डॉक्टर शिरीन उठिए। मैम मैं हूं, क्या हुआ आपको? आप यहां ऐसे जमीन पे सोई हुई थी? मैं वो रात को राउंड पे निकली थी तो I'm fine. वो बच्चे ठीक है? वो लोग रूम में? जी मैम, मैं बस उन्हें ही ब्रेकफास्ट देके आ रही हूँ। ओके तुम जाओ, मैं घर जाकर चेंज कर लेती हूँ, आधे घंटे में कॉन्फ्रेंस है ना, आती हूँ। किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला,
मैं रात एक तन्हा तू चांद सांवला हाँ तुझे देखता रहा किसी ख्वाब की तरह जो अब सामने है तू वो कैसे यकीन भला टूटा जो कभी तारा सजना बे तुझे रब से मांगा रब से जो मांगा मिले आवे क्या हुआ कुछ नहीं बहुत अच्छा गा रही थी मैं तो बस यही सोच रहा था कि तुम इतना अच्छा गाती हो और इतना अच्छा दिख भी जाती हो मतलब बहुत सुंदर लग रही हो अब आप भी अच्छा गाते हो हाँ पर मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ ना तुम अच्छी दिख भी रही हो कंटिन्यू कर मानवी सुनो हमें रिकॉर्डिंग यहीं बंद करनी पड़ेगी क्या हुआ कुछ गड़बड़ हुई मॉम का मैसेज आया यार वो कह रही है कि जिन लोगों ने तुम्हारा मेकअप करना था वो पहले घर आने वाली थी पर अब घर नहीं आने वाली हैं तो तुम्हें उनके पास जाना पड़ेगा अच्छा ठीक है लेकिन प्लीज जल्दी आने की कोशिश करना ज्यादा लेट मत होना हाँ हाँ श्योर तुम जाओ बाय इसीलिए अंकल मैं जनानियों के साथ प्लान ही नहीं बनाता डिनर पे जाना होता है पर ये हेयर मेकअप के चक्कर में ना ब्रेकफास्ट कर देती हैं वो आ गए लॉन्ग लाइफ में आप ही की बात कर रहा था मैं बता रहा था कि आप टाइम लेते हो पर फिर वर्थ इट है ना इतना सुंदर भी तो दिखते हो ऐसे ये काफी देर से आपका इंतजार हो रहा था भाई साहब नमस्ते नमस्ते फरजाई जी आने में बहुत देर कर दी आपने टाइम पे तो निकले थे भाई साहब लेकिन आपको तो पता ही है इतनी बारिश है बाहर रास्ते पे ट्रैफिक जाम ऊपर से एक झाड़ भी गिर पड़ी हाँ ट्रैफिक था जैम था एक्चुअली अंकल ट्रैफिक और जैम मेरे लिए भी था पर मैं टाइम पे पहुंच गया सच सच बोल तुम्हारे बहुत पुराने वाले रिश्ते इतना बदमाश है देखो ठीक है होते हैं जी मानवी का मानवी हाँ मतलब मानवी का पेट उठा रही है रास्ते से क्यों मानवी क्यों ताक रहे हो मुझे पता है मेरी नाक ठीक है नहीं बड़ी नहीं लग रही बहुत अच्छी लग रही है ये झुमके भी बहुत अच्छे लग रहे ये साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है तुम बहुत अच्छी लग रही हो ओह सॉरी तेरे करीब जो हो
हाथ छोड़ो राहुल, सब सब देख रहे हैं। छोड़ो राहुल, मम्मी जी सब लोग क्या कहेंगे? क्या कर रहा हूँ मतलब? फिर से शुरू हो गए। अरे मेरी बीवियों में जो मर्जी जहाँ मर्जी शुरू हो जाऊँ। नर्स, वो बच्चे कहीं शिफ्ट कर दिया इनको? नहीं मैम, उन बच्चों को एक कपल ने गोद ले लिया है। क्या? हाँ, एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर शिरीन। सर वो बच्चे आप? हाँ वो बच्चे तो एक अच्छी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। सर लेकिन आप उनको अडॉप्शन के लिए कैसे दे सकते हैं? वो नॉर्मल बच्चे नहीं है और वो आम लोगों में उठने बैठने के लायक नहीं हुए हैं सर। एंड लेट मी टेल यू, अभी बहुत कुछ है सर उनके बारे में जानने के लिए। डोंट वरी, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। मगर उन बच्चों के लिए जो अच्छा है मैं वही कर रहा हूँ। पर सर, और वैसे भी जिंदगी भर अपने इस हॉस्पिटल में हम उन बच्चों को बिठा कर नहीं रख सकते। उन बच्चों को एक बहुत ही अच्छी फैमिली ने अडॉप्ट किया है जो बहुत ही रिच है। पर सर, मैंने कहा ना, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ और इस बारे में मुझे कोई भी डिस्कशन नहीं चाहिए। पर सर, वो बच्चे बिल्कुल ठीक है। ओके, मुझे चिंता उन बच्चों की नहीं डॉक्टर, उस फैमिली की जिन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया है। पता नहीं अब उन लोगों के साथ क्या होगा। अरे भाई आफत आएगी और क्या। ओल्ड स्कूलिंग है ना मेरी और आज की। अरे भाई कुछ स्नैक्स वगैरह भी सर्व करो या सीधा सबको खाना ही खिलाओगे? नहीं अभी लेके आती हूँ। आराम से। हाँ बता। अंकल एक मिनट प्लीज। नहीं क्यूट है गोलू मोलू, प्यार इसी बच्चे। हेलो, ये क्यूट है तो हम क्या डंगर हैं? हाँ हाँ, कभी इतने प्यार से अपने हस्बैंड की तारीफ भी कर लिया करो। कर लेती राहुल लेकिन तुम बुढ़े हो गए। क्या बोला? धीरे, मैं मजाक कर रही हूँ। Well, actually, हाँ, actually मैं बूढ़ा हो गया हूँ क्योंकि जवानी में जो काम करते हैं वो तो हम करते नहीं। लो, बहुत हो गया। खेलने दो ना मुझे उसके साथ। राहुल और मानवी को बच्चों से कितना प्यार है भाई। अब तुम दोनों भी बता दो कि ये वाली खुशखबरी तुम दोनों कब सुना रहे हो। नहीं सच, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब इन दोनों का छोटा सा वर्जन मेरे घर आए। डैड ने कहा था कि शाम तक फोन कर लेना। अरे बहू आओ आओ आओ, बैठो ना प्लीज बैठो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी। अरे बेटा मिठाई लेके आओ, परजाई जी का मुंह मीठा कराना है जी। अरे अरे एक मिनट, बैठ जाओ बैठ जाओ। मिठाई किस वास्ते, क्या क्या है? बताओ आप ही बताओ। हाँ हाँ, मैं वो करण का वेट कर रही थी, वो छोटी को लेकर आ रहा है ना। छोटी? कौन छोटी? एक्चुअली आज के मिलने का प्रोग्राम इसी वजह से तो बनाया है। यहाँ पे एक नहीं दो दो दादियाँ हैं। दादी? हाँ, मेरे घर भी खुशखबरी आई है। Congratulations! फोन पर इतनी देर बातें करती रही लेकिन मुझे बताया तक नहीं, कैसी छुपी रुस्तम निकली तुम्हें। नहीं नहीं परजाई जी, मेरे बेटे और बहू ने अनाथ आश्रम से एक बच्ची को गोद लिया है। सोनाली, वाकई में जब तुम उससे मिलोगी ना, कसम से अरे गोद से उतारने का मन नहीं करेगा तुम्हारा। हाँ हाँ,
करण ने बहुत ही अच्छा काम किया, है ना मानवी? जी मम्मी जी। I mean, very commendable. अच्छा मम्मी जी, आप लोग बातें करिए, मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ बेटा, खाना लगाओ। Excuse me? आपने जो कुछ भी किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। वैसे आपकी काफी तारीफ सुनी है मैंने माजी से। तारीफ का काम मैंने नहीं किया, तारीफ का काम वो है जो आप लोगों ने किया है। एक बच्ची को उसका परिवार देखे, उसे माँ बाप का प्यार देखे, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। उसे माँ बाप मिले हैं तो हमें हमारी बेटी मिली है। वैसे कई लोग कहते हैं अपना बच्चा ही होता है, गोद लिए हुए बच्चों में अक्सर परायापन आ जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे लगता है कि अगर उनको बचपन से ही प्यार में परायापन नहीं दिया जाए तो आपको बुढ़ापे में भी नहीं देते हैं। और फिर इस छोटी सी बच्ची ने अपनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ देख लिया है कि मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गई हूँ। मैं बहुत प्यार दूंगी इसे। अच्छा मैं खाना लगाती हूँ। इस बच्चे की ज़िंदगी तो सुधर जाएगी। आई होप इसी की तरह उन दो मासूम बच्चों की ज़िंदगी भी सुधर जाएगी।